जय यीशु परमेश्वर के नाम से हम आपका स्वागत करते हैं। इस दिन आज हम पढ़ेंगे प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 7 पद संख्या 31। सारे हृदय से प्रभु पर श्रद्धा रखो और उसके याजकों का आदर करो। मेरे भाई और बहनों, परमेश्वर का वचन कहता है कि सारे हृदय से परमेश्वर का आदर करना है और उनके जो याजक है उनका सम्मान करना है। मेरे भाई और बहनों, हम अलग अलग चर्चेज में जाते हैं और हम देखते हैं वहां के जितने भी पल्ली लोग हैं वो अपने पल्ली पुरोहित से हमेशा नफरत करते हैं। वो बोलते हैं, अरे पल्ली पुरोहित तो ये करता है, पल्ली पुरोहित तो वो करता है, पल्ली पुरोहित तो ऐसा है वैसा है। मेरे भाई और बहनों, वो जैसा भी है परमेश्वर का है, उसको वो अधिकार दिया गया है, उसको वो आशीष दिया गया है, इसलिए वहां का पल्ली पुरोहित है वो। मेरे भाई और बहनों, हमें ये जानना है कि भले वो जो भी चीज करता है, हम उसका जज करने के लिए वहां बैठे नहीं है। हम परमेश्वर को कुर्सी से उतार कर हम वहां बैठना नहीं है कि हम वहां देखेंगे, अरे ये गलत कर रहा है ये पल्ली पुरोहित, इसको भगाओ, दूसरे को लाओ। हम वो जगह जाकर ये देखते हैं कि उन लोग हमेशा अपने पल्ली पुरोहित के विरुद्ध रहते हैं। क्यों? पाप स्वीकार में जब हम जाते हैं, देखते हैं जो पल्ली पुरोहित वहां बैठा रहेगा वो संगति पल्ली पुरोहित के पास जाएगा ही नहीं। उन्हें लगता है कि अगर इस पल्ली पुरोहित के पास हम अपने पाप स्वीकार करेंगे तो ये बाहर निकल कर हमें पकड़ेगा और बोलेगा तू ये पाप करता है, वो पाप करता है। मेरे भाई और बहन, उन्हें वो अधिकार दिया नहीं गया, ना हमें वो अधिकार दिया गया है कि हम उनका असम्मान करें। हमें उनका सम्मान करना है क्योंकि वो परमेश्वर की ओर से आते हैं। जब वो वेदी में खड़े रहते हैं तो वो परमेश्वर बनकर खड़े रहते हैं। वो अपना जिस प्रकार का भी जीवन जी रहे हमें वो नहीं देखना, हमें देखना है कि वो परमेश्वर के रूप धारण में वहां खड़े, उन्हें वो अधिकार दिया गया है। लेकिन हम इतने मगन हो जाते हैं, हमें लगता है कि हम थोड़ा सा ज्ञान क्या ले लेते हैं, हम पल्ली पुरोहित से बड़े बन जाते हैं। मेरे भाई और बहन, हम भूल जाते हैं कि वो अपने संसार को छोड़कर, अपने परिवार को छोड़कर, ये त्याग देखकर आज एक पल्ली पुरोहित बने। तो इस सुबह हम हर एक पल्ली पुरोहित के लिए प्रार्थना करेंगे, जहां पर भी संसार के हर एक कोने में उन लोग ने जाकर प्रचार किया है, वहां उनको निंदा मिला है, लोगों ने स्वीकारा है। आजकल हम देखते हैं बहुत सारे पल्ली पुरोहित को न्यूज में हम देखते, गलत गलत चीजों से पकड़ाया जाता है, गलत गलत चीजों से कहते हैं। तो आज वो सब चीजों के लिए क्षमा करेंगे और वो परमेश्वर के सेवक है। तो आज हर एक सेवक के लिए हम प्रार्थना करेंगे। इस समय हम अपने आंखों को बंद कर अपना पूरा ध्यान परमेश्वर की ओर लगाएंगे। हे पिता परमेश्वर, इस वचन के लिए हम धन्यवाद देते हैं। परमेश्वर, तेरा वचन कहता है कि हमें पूर्ण हृदय से तुझे प्यार करना है और तेरे हर एक सेवक के लिए प्रार्थना करना है, उनका आदर करना है। तो परमेश्वर, पहला चीज हम अपने जीवन के अंदर देखेंगे, क्या हमने तेरे सेवक का आदर किया? क्या हम परमेश्वर उन्हें हमेशा निंदा करते हैं, उनके बारे में झूठ बोलते हैं? तो वो सब चीजों के लिए सुबह हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, क्षमा मांगते हैं। और तेरे हर एक पल्ली पुरोहित के लिए परमेश्वर इस सुबह हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, उन्होंने अपने घर हर एक चीज को छोड़कर, वो त्याग देकर आज परमेश्वर तेरे राह में उन लोग चल रहे हैं। परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं जितने भी पल्ली पुरोहित हमारे कॉन्टैक्ट्स में हम जानते हैं, उस सब जन के लिए इस सुबह हम प्रार्थना करते हैं। हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, उनके हाथों को अभिषेक कर, उनके मन को परमेश्वर तेरी ओर लगा, उनके हृदय को परमेश्वर इस दुनिया की वासनाओं से दूर रख, पूर्ण रूप से पवित्र बना परमेश्वर, जिस प्रकार तू पवित्र है। हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर कि उन्हें तेरे पवित्र लहू से ढक कर रख, हर एक चीजों से परमेश्वर बचा, हर एक संसार की चीजों से बचा। और हर एक चीज परमेश्वर अगर हमने किया है गलत उनकी ओर, तो आज इस सुबह परमेश्वर हम तेरे नाम से हर एक जन को क्षमा करते हैं, हर एक जन को परमेश्वर तेरे लहू से धोते हैं। और आज हम प्रार्थना करते हैं तेरे पवित्र आत्मा से परमेश्वर उन्हें भर, पूर्ण हृदय से परमेश्वर उन्हें ताकत बना। जो भी पल्ली पुरोहित परमेश्वर बीमार है, हम प्रार्थना करते करे लहू से उन्हें शुद्ध कर, चंगाई प्रदान कर। और हर एक जन को परमेश्वर तेरे राज्य की ओर लेकर चल, के उन लोग परमेश्वर जिस प्रकार तेरे पूरे संसार को चलाते हैं, हम प्रार्थना करते हर एक जन को सही मार्ग दर्शन और सही राह में चलाने के लिए वो बुद्धिमान प्रदान कर। और यही प्रार्थना इस सुबह तेरे नाम से हम मांगते और कबूल करते हैं, आमीन। जय श्री।